सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल जर्मन ड्रीम्स विद KJ। आज की जो वीडियो है उसमें मैं जा रहा हूँ हैमबर्ग अपने एक दोस्त से मिलने मुश्तबा से, और वहाँ जाकर देखते हैं कि हम कौन सी ऐसी जगह पे जा सकते हैं जो आप लोगों को हम दिखाएं कि हैमबर्ग में क्या क्या किया जा सकता है। सो लेट्स वेट अंटिल वी रीच देयर। तो हम लोग आए हैं अभी हैमबर्ग हाफन सिटी में, और ये मिनीचर वंडरलैंड है जहाँ मैंने लास्ट वीडियो की थी, और वहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है यहीं की पार्किंग में। और फिर यहाँ से बाय वॉक है एल्फिल हारमोनी जो कि हैमबर्ग का लैंडमार्क है, वहाँ हम जाएंगे। यहाँ से हम ऐसे ही एक ब्रिज बना हुआ है, तो मैंने सोचा मैं ब्रिज दिखाऊँ। तो ऐसे और ब्रिजेस भी बने हुए, और हैमबर्ग में वीनिस से ज़्यादा कनाल्स हैं, तो ये शायद काफ़ी लोगों को पता नहीं हो। ये मुश्तबा भाई पता नहीं किसको ताले दिखा रहे हैं, तुम ताले दिखा रहे थे, वैसे बोले थे ताले लगाने चाहिए, अभी तुम भेज रहे हो किसी को वीडियो है। सो हम लोग वहाँ से वॉक करते करते यहाँ पर आ चुके हैं। ये मुश्तबा मेरे साथ है, और हमें जाना है इस तरफ, इस बिल्डिंग में एल्फिल हारमोनी इसको कहते हैं, और हम यहाँ से नीचे जाएंगे। और ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज का नाम मैं आपको दिखाता हूँ कि इस ब्रिज का नाम क्या है। ये बीच समंदर में बनी हुई है बिल्डिंग, और हैमबर्ग का लैंडमार्क कहलाता है ये। टिकट हमें मिल गई है, और ये फ्री है जैसे कि होती है। एस्केलेटर है ये भी, मतलब सीढ़ियाँ ऐसी नहीं है कि कोई चढ़ ना पाए, मतलब बहुत लो लेवल किया हुआ है ना।
वहाँ पे कुछ इवेंट हो रहा है मेरे ख्याल से, उसमें जा रहे हैं लोग। मैंने दिखाया था कि ये ब्रिज का क्या नाम है, वहाँ से हम आए थे और ऑल द वे ऊपर आए हैं अभी। तो ये इसका 8th फ्लोर है, इसके ऊपर भी लाइक इसके रूम्स वगैरह हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उस तरफ है मिनीचर वंडरलैंड, वहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की है, उसका व्लॉग भी था पुराना वाला। और ये सारा लाइक हैम्बर्ग पोर्ट का इलाका है, वहाँ पे आपको क्रूज दिख रही होगी शायद, मैं उस तरफ ले जाता हूँ, वहाँ पे क्रूज है। यहाँ पर सारी बोट्स वगैरह चलती हैं। इलाका है आप लोगों को नजर आ रहा होगा, मशीन्स वगैरह है, ट्रेन्स हैं। और ये हैम्बर्ग जो है लाइक वो यूरोप का वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। हवा बहुत तेज चल रही है आज, उस तरफ जाते हैं और दिखाते हैं वहाँ पे, देखने को क्या मिलता है। इसके ओपनिंग आवर्स क्या है वो मैं बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि कब से कब तक खुला रहता है, और टिकट्स वगैरह सब फ्री हैं। और ये जो 8th फ्लोर है यही एक्सेस कर सकते हैं आप फ्री टिकट पे, बाकी इनकी कॉन्सर्ट्स वगैरह होती हैं या ऊपर ये लोग रूम्स भी देते हैं। वो जो बिल्डिंग दिख रही है वो सेंट पॉली है। तो आज का व्लॉग जो है वो इसी बारे में था कि ये एल्फिल हारमोनी जो बिल्डिंग है, हैम्बर्ग का लैंडमार्क है, ये कैसी है अंदर से, पूरा तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट इसकी स्टेजेस हैं और उसके लाइक अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं। मगर ये एक ओवरव्यू है कि यहाँ अगर आपको आना है तो आप आ सकते हैं और फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं, आधा एक घंटा यहाँ पे पता भी नहीं चलता। सो गाइस, आज का व्लॉग इसी बारे में था कि एल्फिल हारमोनी जो यहाँ का हैम्बर्ग का लैंडमार्क है, वहाँ आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी जा सकते हैं और एक डेढ़ घंटा आप आराम से फैमिली के साथ या अकेले अच्छा गुजार सकते हैं, जहाँ से पूरा पैनोरामिक व्यू है सिटी का। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।